नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, नागिन 6 के आने वाले एपिसोड में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो कि शो की पूरी कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है और वो रहस्य है मायावी रात का सच। जी हाँ, मायावी रात का सच आप सभी दर्शकों के सामने आएगा। जिस रात प्रथा जो है शेष नागिन बनी थी, बहुत सारी इच्छाधारी नागिनें जो हैं इस कड़ी से जो है वो जुड़ी हुई होंगी और उस कड़ी के बारे में आप सभी दर्शकों को दिखाया जाएगा आने वाले धमाकेदार एपिसोड में, जब नीलगिरी पर्वत के पीछे जो शेष महल है उस शेष महल का रहस्य का भी खुलासा होगा। उस रात के बारे में भी आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेगा, जब महक चाह कर भी शेष नागिन जो है वो नहीं बन पाई। तो क्या है रहस्य, आइए आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं आज की खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों, प्रोफेसर की बात को मानकर यहां पर शलाखा और शेष नागिन प्रथा जो है वो पूरी तरह से मंदिर में जाने वाली है, शेष मंदिर जाने वाली है और वहां पर घोर तपस्या करने वाली है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए नजर आएंगे और इसके लिए प्रथा जो है महातांडव करने वाली है और महातांडव से साक्षात भगवान भोलेनाथ पूरी तरह से प्रसन्न होकर प्रकट होंगे और वरदान देंगे। यहाँ पर प्रथा को मिलने वाला है सबसे बड़ा वरदान, जिसके बाद प्रथा जो है वो यमुना नदी के पास जाएगी और यमुना नदी के पास जाकर सारा का सारा जहर जो है शंग्रीला के द्वारा फैलाया गया था उसे पूरी तरह से पी लेगी और अपने देश को बचाने में पूरी तरह से उसे कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन अभी भी प्रथा की जिंदगी जो है मुश्किल में ही पड़ेगी, क्योंकि असुर जो है एक बार फिर करने वाले हैं कोशिश जहर फैलाकर पूरी तरह से देश को बर्बाद करने का। अब इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट कड़ी में आप सभी दर्शकों को दिखाया जाएगा नीलगिरी पर्वत के बारे में। नीलगिरी पर्वत के बारे में रहस्य के बारे में खुलासा होने वाला है और नीलगिरी पर्वत के पीछे जो महल था, शेष महल था, अब उस शेष महल से जुड़ा हुआ भी सबसे बड़े रहस्य का खुलासा होने वाला है और उस रात के बारे में आप सभी दर्शकों को पता चलेगा जिस रात शेष नागिन बनी। यहां पर कोई और नहीं बल्कि प्रथा। अब ऐसा क्या हुआ था तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, शेष महल की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं अमृत से जुड़ी हुई होगी। अमृत वहां पर रखा गया है होगा और साथ ही साथ अमृत को बचाने के लिए जितने भी शेष वंश के इच्छाधारी नाग नागिन हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं पूरी तरह से रक्षा करने वाले हैं अमृत की, और अमृत को रक्षा करने के लिए यहां पर शेष नागिन बनाया जाएगा प्रथा को। अब सवाल यहां पर यह बन रहा है कि शेष नागिन को प्रथा क्यों बनाया गया, तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, महक के बुरे इरादों के बारे में भी पता था यहां पर सारे के सारे शेष नागिनों को। जी हाँ, शेष नागिनों को पता था यहाँ पर महक के बुरे इरादों के बारे में, जहाँ नागरानी और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ नागिन और साथ ही साथ बहुत सारी इच्छाधारी अलग अलग वंश के जो इच्छाधारी नाग नागिन हैं वो सारे के सारे नाग नागिनों को पता था महक के बुरे इरादों के बारे में। महक असुर से मिली हुई थी ये बात उन्हें पता था, इसीलिए जो है सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन जो है प्रथा को चुना गया। और साथ ही साथ आपको बहुत बड़ा राज का भी पर्दा उठेगा, बहुत बड़े राज से भी पर्दा उठने वाला है आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप। और साथ ही साथ अब महक को भी होने वाला है यहां पर ऋषभ से प्यार, देने वाली है धोखा प्रथा को, यह बात भी आप सभी दर्शकों को बता दें। आने वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप सभी दर्शकों को इसी तरह से देखने को मिलेंगे। सो आने वाले एपिसोड की कहानी को देखने के लिए आप सभी दर्शक हो जाइए पूरी तरह से तैयार। कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं।